हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आज है वेडनेसडे, तो सुबह का अभी टाइम हुआ है 8:30। तो अभी से मैं अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ अपने किचन से। तो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी कचू शाक की एक रेसिपी। कचू शाक जो कल हम मैंने दिखाया थे, रिंकू दी ने दिया था, तो रिंकू दी ने मुझे ये कचू शाक भी दिया है, तो उसको मैं आज बनाऊँगी छोला देकर। तो कैसे मैं बनाती हूँ आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, बहुत दिनों के बाद ये बना रही हूँ। तो पहले मैं कचू शाक को धो लिया और इसको मैंने प्रेशर कुकर में एक सीटी लगाऊंगी, और इसमें मैंने चना को भी काल रात में ही भिगो के रख दिया था, तो उसको भी दे दिया, एक ही साथ में ये भी बॉयल हो जाएगा। तो थोड़ा सा नमक दूंगी, नमक देकर एक सीटी दे दूंगी, तो कचू शाक बॉयल हो जाएगा। तो कचू शाक बॉयल हो चुका है, तो मैंने एक झांझरी में लिया है इसको, और इसका जो एक्सेस पानी है इसको तो मैं निकल लूँगी ही, और इसको प्रेस करके ऐसे ही एक खुंती से इसको प्रेस करूँगी, और इसमें जो एक्स्ट्रा पानी है उसको भी मैं निकाल लूँगी, नहीं तो ज़्यादा टाइम लगेगा लगेगा इसको कुक होने में। तो कढ़ाई में मैंने सरसों के तेल डाला है, और तेल गर्म होने के बाद मैं इसमें दे दिया है एक बे लीव्स और दो सूखा मिर्च। सूखा मिर्च को मैंने तोड़ के डालूंगी, नहीं तो ये फटेगा, तो ये डाला है। और इसमें डालूंगी थोड़ा सा कालंजी, तो ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए, भुन जाए, तो इसके बाद मैं इसमें कचू शाक को ऐड कर दूंगी। तो थोड़े टाइम चलाने के बाद मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी। मसाला में मैं दे रही हूँ स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, और दूंगी थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो ये सारे चीज़ को मैं साग के साथ अच्छे से मिक्स करूंगी, अच्छे से भूनूंगी, ताकि ये बहुत अच्छे से फ्राई फ्राई हो जाए। और इसमें मैं दे दूंगी शक्कर, क्योंकि कचू शक में शक्कर देने से स्वाद अच्छा आता है। और फिर मैं 3-4 हरी मिर्च को बीच से कट कर ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो इसमें मिर्च पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं मिर्च पाउडर ज़्यादातर खाती नहीं हूँ, खूब बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए मैं बीच से हरी मिर्च को काट कर ऐड कर दिया है। तो इसको और कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको नारना है और बहुत अच्छे से भुनना है, फ्राई फ्राई सा करना है, जब तक ये ड्राई ना हो जाए। तो भूनते भूनते बिल्कुल ड्राई हो चुका है, और देखिए कढ़ाई से भी अलग हो रहा है। तो हमारा कचू शाक भी रेडी हो चुका है, इसको मैंने निकाल लिया है, और बनाना कितना आसान है, देखा कितना जल्दी बन गया है कचू शाक। एक्चुअली थोड़ा क्वांटिटी थोड़ा कम था, तो इसीलिए बहुत जल्दी बना है, जितना टाइम लगेगा मैंने सोचा था उतना टाइम नहीं लगा। तो आज एक और रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो है एक करी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, और बहुत क्विक एंड बहुत टेस्टी एक करी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रिच हो जाता है, तो इसीलिए, लेकिन कभी कभार रिच खाना भी मतलब खाना चाहिए, है ना, नहीं तो हेल्थ को भी रिच खाने का आदत छूट जाएगा, तो इसीलिए कभी कभार रिच खाना चलता है, तो वो बनाऊंगी। और ये जो कचू शाक है ना, ये जो इलिश माछ का जो हेड होता है ना, माथा, मतलब हम लोग तो बोलते हैं इलिश माछ है माथा दिए कचू शाक, तो वो बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन वो तो मानसून सीजन में ही मिलता है, क्योंकि उस टाइम इलिश फिश जो है वो अवेलेबल होता है, तो इसीलिए इस टाइम ज़्यादा नहीं मिलता। तो चलो बना लेते हैं एक कारी। तो एक करी बनाने के लिए मैं यहाँ पर 5 एग लिया है, एक को मैंने बॉईल कर लिया था, और इसको मैं बीच से ऐसे ऐसे करके हल्का सा चाकू से कट लगाऊंगी, ताकि इसके अंदर मसाला जा पाए। तो
अभी मैं बनाऊंगी कारी। कारी बनाने के लिए मैंने एक बे लीव्स और दो सूखा मिर्च को लिया है, और थोड़ा सा मैं डालूंगी क्यूमिन सीड, तो इसको मैंने तड़कल दिया है। और थोड़ा सा मैंने प्याज डालूंगी, एक स्लाइस किया हुआ प्याज इसको मैंने डाला है। और प्याज लाल होने के बाद मैं इसमें दे दूंगी पेस्ट किया हुआ मसाला। पेस्ट किया हुआ मसाला में है एक बड़ा सा प्याज, थोड़ा सा अदरक और 4-5 कुआ लहसुन है। और इसमें मैंने मिर्ची को भी ऐड कर दिया था, तो इसमें 5-6 मिर्च भी है और है एक छोटा सा टमाटो। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको भूनूंगी, नहीं तो मसाला जल जाएगा। और फिर मैं ऐड कर दूंगी जो बेसिक सा मसाला है, जैसे कि 1 चम्मच मैंने डाला है जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और डालूंगी थोड़ा सा हल्दी, और फिर मैं डालूंगी थोड़ा सा शक्कर। शक्कर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और आप इसमें चाहे तो चिली पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं चिली पाउडर थोड़ा कम ही खाती हूँ, तो इसीलिए मैंने हरी मिर्च को डाला था पेस्ट करने के वक्त। तो स्वाद अनुसार नमक भी दे दिया है, तो इस मसाला को मैं अच्छे से भून लूँगी, और जब तक इससे मतलब ऑयल रिलीज ना हो जाए तो तब तक मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। तो खाना तो मेरा बन चुका है, लेकिन देखिए मेरे किचन का हाल कुछ इस तरह की है। सारे के सारे किचन फैला हुआ है और कितना सारा बर्तन भी निकला है। एक्चुअली खाना बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद जब मैं किचन क्लीन करती हूँ तो ये मुझे सबसे बोरिंग काम लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, इसको तो करना है ही, मुझे तो काम फैला कर रखने से भी कोई फ़ायदा नहीं, तो पहले मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। थोड़ा मैं काम कर रही थी, तो काम करते करते पता ही नहीं चला कि अंधेरा होने वाला है। तो अब सर्दी में जल्दी जल्दी ही अंधेरा हो जाता है, तो चलिए मेरा सारे के सारे खिड़की भी ओपन है, नहीं तो मच्छर घुस जाएगा, इसीलिए तो इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये देखिए मेरा प्लांट और बाहर का वेदर कुछ इस तरह का है, और
चलिए ऊपर चलती हूँ क्योंकि मेरा अपनी प्लांट में थोड़ा पानी वगैरह ये सब कुछ भी देना है। ये है बिलाती धोने पत्ता, हम लोग इसको तो धोने पत्ते बोलते हैं। एक प्लांट ये शायद नहीं होगा पर ये सब ठीक है, हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरे टॉप में भी मैंने लगाया है और ये तीनों टॉप में है धनिया, धनिया की बीज मैंने डाला है। और ये है मेरा येलो रोज़, ये थोड़ा सा मुरझाया गया है, इसे ज़्यादा शूटिंग तो नहीं हो रहा है तो इसको ठीक ठाक करना होगा। और ये है मेरा पिंक वाला रोज़, ये ठीक है ठीक है। और ये है मेरा गंधोराज लेबू, एक स्मेल वाला लेबू होता है ना। तो हमारी छत से हमारे एरिया का व्यू कुछ इस तरह से आती है इवनिंग में। तो कैसा लगा आज का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और अच्छा लगा एक तो एक लाइक ज़रूर करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।